Today we are going to study new chapter, unit 2, exploring puzzles. Yes, exploring means finding and knowing about more about puzzles. You all know what is puzzles. In day to day life we solve many puzzles and ऐसा कहा जाता है according to research कि अगर आप early morning में उठ के कोई एक छोटी सी कोई भी पजल सॉल्व करो या कोई भी ऐसी गेम खेलो, इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है. नॉट ओनली मेमोरी शार्प होती है, पर इससे कहते हैं ना, हमारे जो याद करने मेमोरी शार्प होती है और उसे हम और हम हमारा माइंड उससे काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है. सो टुडे इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पजल्स. चलो लेट अस बिगिन द चैप्टर. Read the story to yourself. Make any four word you don't understand. Use the correct dictionary, internet or classmate who help you to understand each word and story of the idea. In this, now let us begin the chapter with this story of Akbar and Birbal. You all know, you all must have studied about the Akbar and Birbal stories. So this is also one of the well-known story about it. Emperor Akbar was a great and wise ruler and he had fine advisors in his court. जो एम्परर अकबर थे वो बहुत ही बड़े ग्रेट रूलर थे और काफ़ी वाइज थे और उसके कोर्ट में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एडवाइजर्स थे. बट द वाइजेस्ट ऑफ दिस वॉज बीरबल. लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा वाइज कौन था? बीरबल. वेन एवर द एम्परर थॉट ऑफ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पजल ही टर्न टू बीरबल. और जब भी कोई भी बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम या पजल होती थी तो वो हमेशा बीरबल को कहते थे सॉल्व करने के लिए. वन प्लेजेंट इवनिंग इन मार्च अकबर वॉज स्ट्रॉलिंग इन हिज कोर्टयार्ड. एक दिन सुहानी शाम का समय था और अकबर अपने कोर्टयार्ड में घूम रहे थे. ही हैड जस्ट कम्प्लीटेड सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन इन द ईस्ट एंड ही वॉन्टेड टू लिटिल अम्यूजमेंट. और अभी अभी वो एक बहुत मिलिट्री कैंपेन यानी कोई फाइट करके आए थे और अब वो कुछ रिफ्रेशमेंट चाहते थे, अम्यूजमेंट चाहते थे, थोड़ा फ्रेश होना चाहते थे. सो सडनली ही टर्न टू हिज कोर्टियर एंड सेड. तब अचानक वो अपने कोर्टियर्स से कहते हैं, टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु डेयर टू ट्विक योर एम्परर्स मॉस्टेक. तब अचानक वो अपने एक सोल्जर से पूछते हैं कि बताओ तुम उसे क्या पनिशमेंट दोगे जो तुम्हारे एम्परर की मुझे खींचेगा. द कोर्टियर्स वर शॉक. कोर्टियर्स सारे शॉक हो जाते हैं एट द थॉट. वो सब हैरान हो जाते हैं. ओनली द मोस्ट फुल क्रिमिनल वुड डेयर टू टच द किंग. तो वो सब सोचते हैं कौन ऐसा कर सकता है. कोई शायद ही कोई ऐसा बहुत ही फुल क्रिमिनल हो जो ऐसी गुस्ताखी कर सकता है जो हमारे मतलब के राजा की मुझ खींच सके. शाहबाज खान स्पोक अप, माय लॉर्ड दिस विलियन शुड बी मर्सलेसली फ्लॉक टू दैट. तभी शाहबाज खान थे वो फटाफट बोलते हैं, माई लॉर्ड दिस विलियन, ऐसे विलेन को तो बहुत बुरी तरीके से डेथ की सजा मिलनी चाहिए. बी हेडेड इन पब्लिक व्यू योर ऑनर सेड मुल्ला दो पिज़्ज़ा. और उसमें से मुल्ला दो पिज़्ज़ा कहते हैं बी हेडेड यानी सभी सरेआम पब्लिक के सामने उसको मतलब के फांसी की सजा होनी चाहिए. द विलेन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट और बी हैंग सेड शादी शाह. और एक उसमें से कोर्टियर था शादी शाह, वो क्या सजेशन देता है, वो बोलता है कि विलेन शुड बी थ्रोन, मतलब विलेन को ऊपर फोर्ट में से मतलब किले के ऊपर टांग कर उसको थ्रोन फ्रॉम द फोर्ट और हैंग, उसको किले के ऊपर से या फेंक देना चाहिए या फिर उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए. एंड यू बीरबल व्हाट पनिशमेंट डू यू वुड यू सजेस्ट टू हिज ऑफेंडर एज द एम्परर. फिर वो बीरबल से पूछते हैं तुम क्या पनिशमेंट सजेस्ट करोगे ऐसे क्रिमिनल को. शाह आलम सेड बीरबल कामली, आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स. फिर बीरबल जवाब देते हैं कामली, शाह आलम मैं तो ऐसे क्रिमिनल को स्वीट्स दूंगा. द कोर्टियर्स गैप सेड बीरबल. सारे कोर्टियर्स जोर जोर से बीरबल के सामने देखकर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे. हैड ही गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, स्वीट्स फॉर सच अ क्राइम, ऐसी गुस्ताखी के लिए मिठाई देना. श्योरली दिस टाइम बीरबल वॉज रॉन्ग. उनको लगा जरूर इस बार बीरबल गलत है और उसको पक्का राजा कुछ सजा देंगे. अकबर फ्रॉन्ड, डिड आई हियर यू राइट बीरबल, ही सेड यू कंसिडर गिविंग स्वीट्स टू बी पनिशमेंट फॉर सच अ क्राइम. क्या मतलब क्या मैं ये सही सुन रहा हूँ, क्या तुम ऐसे क्राइम करने वाले को स्वीट दोगे.
ऐसे क्राइम के लिए? ओनली इन दिस केस योर मैजेस्टी, सेड बीरबल हामली. फिर बीरबल हामली बोलते हैं सिर्फ इस केस में, बिकॉज हु एल्स बट योर बिलव ग्रैंड सन वुड डेयर टू टेक सच अ लिबर्टी द किंग ऑफ द किंग. फिर बीरबल बोलते हैं महाराजा ऐसी गुस्ताखी तो सिर्फ आपका पोता ही कर सकता है, बाकी किसमें हिम्मत है जो किंग ऑफ द किंग की मुझे खींचे. अकबर बर्स्ट ऑफ लाफिंग, और फिर अकबर जोर जोर से हंसने लगते हैं. यू आर राइट अगेन, फिर से तुम सही हो बीरबल. इट वॉज इंडीड दैट लिटिल रास्कल हु ट्रिक्ड माई मास्टर दिस वेरी इवनिंग, और तुमने सच कहा वो मेरा बेटा ही, बदमाश बेटा ही था जिसने आज इवनिंग में मेरी मुझे खींची. नाउ एक्टिविटी टू, बीरबल वॉज एबल टू सॉल्व द एम्परर पजल बिकॉज ही थॉट अर्ली एंड रियलिस्टिकली अबाउट एम्परर्स क्वेश्चन. बीरबल अकबर के क्वेश्चन को, पजल को क्यों सॉल्व कर पाए, क्योंकि उन्होंने क्लियरली इसको रियल में ऐसा मानकर उन्होंने क्वेश्चन को सोचा, इसलिए वो सॉल्व कर पाए. ही डिड नॉट मेक एक्सेप्शन, उन्होंने ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा माना नहीं, पर उन्होंने रियल में रियलिटी मानकर उन्होंने उसका आंसर निकाला. एन एक्सेप्शन इज समथिंग दैट इज बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस. एक्सेप्शन का मतलब होता है जो कुछ ऐसा हो जिसे हम सच मान लें बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के. समटाइम्स मेकिंग एन एक्सेप्शन इज करेक्ट, कई बार एक्सेप्शन बनाना सही होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ योर रिलेटिव फॉल एसलीप वेरी अर्ली इन द इवनिंग, यू माइट एज्यूम दैट ही इज टायर्ड और यू मे माइट बी राइट. और मान लो अगर कोई आपका रिलेटिव कभी जल्दी सो जाता है तो आप उसे सही मान लेते, क्यों आपको पता है कि आज वो थक गया इसलिए वो जल्दी सो गया, आप सही मान लेते. बट एसेप्शन कैन बी रॉन्ग, कई बार हमारा जो मानना होता है वो गलत भी हो सकता है. एंड दे कैन लीड अस थिंक इन करेक्टली प्रॉब्लम, और कई बार हमारे अगर हम कोई गलत फहमी बोलते हैं ना, कभी कभी हमें गलत फहमी हो जाती है, गलत फहमी से क्या होता है कि उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है. एक्टिविटी फोर, इट इज अडेप्टेड फ्रॉम द कैंटरबरी पजल एंड अदर क्यूरियस प्रॉब्लम बाय हेनरी अर्नेस्ट ड्यूटनी. कॉपीराइट इट इज फ्रॉम 1907. लॉन्ग अगो देर वॉज एन इन वेर पिलग्रिमेज ऑफन स्टॉप ऑन दर वे टू वर्शिप एट अ फेमस श्राइन. ड्यूरिंग द लॉन्ग इवनिंग एज दे रेस्टेड फ्रॉम द जर्नी दे वुड टेल स्टोरीज एंड समटाइम एम्यूज ईच अदर विद गेम एंड पजल. ऑन वन इवनिंग द कंपनी ऑल टर्न टू द पार्टनर. मतलब बहुत समय की बात है, पहले जो पिलग्रिमेज मतलब जो होली प्लेसेस में दर्शन करने जाते हैं, कई दिनों के उनका लंबे दिनों के टूर होते हैं, तो वो हॉल्ट करते हैं जहाँ पे वो रुकते हैं उसे इन कहते हैं. दे स्टॉप ऑन दर वे और फिर वहाँ पे वो वर्शिप करते हैं एट फेमस प्लेसेस में. वहाँ बोलते हैं ना धर्मशाला होती है, वहाँ वो रुकते हैं रात को, वर्शिप करते हैं, भजन कीर्तन. ड्यूरिंग द लॉन्ग इवनिंग एज दे रेस्ट, जब वो बहुत देर तक वहाँ पे इवनिंग करते, रुकते, हॉल्ट करते फ्रॉम द जर्नी, वो एक दूसरे को स्टोरीज बताते थे समटाइम्स, या फिर एक दूसरे से कुछ के साथ गेम्स खेलते थे या फिर पजल्स पूछते थे. ऑन वन इवनिंग द कंपनी ऑल टर्न टू द पार्टनर. एक दिन एक पार्टनर था, उससे वो लोग पजल पूछते हैं. तो चलो अब बारी एक पार्टनर थी, पार्टनर बोलते क्षमा, जो सभी को क्षमा कर देता, माफ़ी देना उसे पार्टनर कहते हैं. उसकी एक पजल, द जेंटल पार्टनर हु हैड जस्ट अराइव वेरी टायर्ड ऑल द वे फ्रॉम रोम बैक टू एक्सक्यूज. वो बेचारा पार्टनर बहुत दूर से आया हुआ था रोम से, वो माफ़ी मांगता कि मुझे आज के दिन कोई पजल नहीं पूछ पाऊंगा, मैं बहुत थक गया. बट द कंपनी वुड नॉट स्पेयर हिम, लेकिन वो लोग उसे छोड़ते नहीं हैं. फ्रेंड्स एंड फेलो पिलग्रिमेज सेड ही, बोलते हैं फ्रेंड्स और फेलो, हम सब फ्रेंड्स और फेलो पिलग्रिमेज है. ट्रूली द पजल आई हैव मेड अ पुअर थिंग बट इट्स द बेस्ट दैट आई हैव बीन एबल टू क्रिएट. बोलते फिर भी मैंने एक अच्छी सी पजल बनाई है. ब्लेम माई लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सच मैटर्स इफ़ यू डोंट लाइक इट. और अगर अच्छी ना लगे तो वो मेरे लैक ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज की कमी समझकर मुझे माफ़ कर देना. बट दिस इन्वेंशन वॉज वेरी वेल रिसीव, लेकिन ये जो इन्वेंशन थी वो बहुत ही वेल रिसीव थी. ही प्रोड्यूस द कंपनी प्लान, वो एक प्लान बनाता है एंड सेड दैट इट इज सिंबल 64 टाउन्स थ्रू विच ही हैड टू पास. सीधा पजल मतलब वो बताते हैं इसमें से ये 64 टाउन से जहाँ से उसको पास होकर जाना है. ड्यूरिंग सम ऑफ हिज पिलग्रिमेज, मतलब ड्यूरिंग जो अभी होली यात्रा पे निकला है उसमें कितने प्लेसेस पे जाना है उसे मान लो
64 places है. He said the lines connecting the towns represent road. और ये जो लाइन टाउन्स को कनेक्ट कर रही है ये सब क्या है, रोड है. He explained that to solve the puzzle one has to start from the large black town. और ये स्टार्ट करने के लिए आपको ये जो ब्लैक पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करना है टू विदर, और यहाँ से स्टार्ट करके सारे प्लेसेस पे आपको जाना है, ऑल अदर टाउन वंस. और इस तरह आपको रूट बनाना है कि आप हर जगह पे सिर्फ एक ही बार जाओ. इस 15 स्ट्रेट पिलग्रिमेज. ही सेड द पजल वॉज टू ट्रेस द रूट टू 15 स्ट्रेट लाइन्स विद द पेंसिल. ही सेड यू मे एंड वेर यू लाइक बट नोट दैट अ लिटिल रोड एट द बॉटम हैज़ बीन नॉमिनेटेड इंटेंशनली एंड इट इज़ पॉसिबल टू गो दैट वे. मतलब आपको अपने पिलग्रिमेज जो यात्रा यहाँ से स्टार्ट करनी है ये सारे रोड है, और इस तरह रूट बनाना है आपको पिलग्रिमेज का, 15 पिलग्रिमेज का डिफरेंट, कि आपको वो दोबारा रिपीट नहीं होना है रूट इस तरह. और बीच में एक लाइन ऑमिट है, मतलब वो आपको यूज़ नहीं करना. ये उसका बनाया हुआ एक पजल थी. रीड द स्टोरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग द पार्टनर. वर्क आउट विद द पार्टनर टू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड टू सॉल्व द पजल. ट्राई टू बी द फर्स्ट इन योर क्लास टू सॉल्व इट. इफ यू फिनिश क्विकली गो एंड हेल्प अदर्स. मतलब आपको ये पजल सॉल्व करनी है, आपको रूट बनाना है कि किस तरह वो पिलग्रिमेज जाएगा दूसरे डिफरेंट प्लेसेस पे जगह, मतलब वापस उसको रिटर्न एक ही रास्ते पे दोबारा रिटर्न होके नहीं आना. इस तरह आपको रूट बनाना है कि 15 पिलग्रिमेज तक वो पहुँचता है. 85. वन डे वॉकिंग इन द गार्डन विद बीरबल एंड अदर कोर्टियर्स एम्पर अकबर बेंट टू पिक अप अ शार्प स्टोन. अब अगेन अकबर बीरबल का एक इंसिडेंट है. एक बार अकबर एम्परर बीरबल और बाकी कोर्टियर्स के साथ वॉकिंग कर रहे थे गार्डन में. वो अकबर बेंड होते हैं एक शार्प स्टोन उठाने के लिए. विद इट ही ड्रू अ लाइन ऑन द ग्राउंड. फिर वो लाइन एक वो स्टोन से वो एक ग्राउंड में लाइन खींचते हैं एंड सेट बीरबल टू मेक द लाइन शॉर्टर. और वो बीरबल को कहते हैं इस लाइन को शॉर्टर बनाओ. ही पॉज्ड एंड विद अ ग्लिंट ऑफ मिस्चिफ इन हिज आईज ही सेड डोंट टच इट जस्ट मेक इट शॉर्टर. और वो रुक जाते हैं और फिर एक शरारत भरी नज़रों से वो क्या कहते हैं, बिना टच किए तुम्हें इस लाइन को शॉर्टर करना है. द कोर्टियर्स लुक्ड एट ईच अदर. कोर्टियर्स सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं. बीरबल श्योरली कुड डू दिस. बीरबल पक्का कर लेगा वो लोग. कुड ही क्या वो कर पाएगा, परहैप्स ही वुड फाइनली बी आउटविटेड. अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो निकल जाएगा, हार मान लेगा. बट बीरबल कामली बेंड डाउन टू पिक अप अनदर स्टोन. लेकिन बीरबल कामली बेंड डाउन करते हैं और एक स्टोन उठाते हैं. ही क्वाइटली ड्रू सेकेंड लाइन बिलो अकबर सन. और वो चुपचाप एक बड़ी लाइन जहाँ पे अकबर ने लाइन ड्रॉ की थी उसके नीचे एक बड़ी लंबी लाइन दूसरी वो ड्रॉ कर देते हैं. एवरी वन लुक्ड एट द टू लाइन. सभी दोनों लाइनों को देखने लेते हैं. अकबर लाइन वॉज क्लियरली शॉर्टर देन बीरबल लाइन. सो अकबर की लाइन थी वह बीरबल की लाइन से क्लियरली शॉर्ट थी. देर वॉज अ ब्रीफ साइलेंस. देन अकबर स्माइल. आई थॉट आई हैड आउट स्मार्टेड यू दिस टाइम बट यू हैव डन इट अगेन. अकबर हंसते हुए बोलते हैं मुझे लगता था इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं काम आएगी, लेकिन फिर से इस बार तुमने अपनी स्मार्टनेस का परिचय दे दिया. नाउ एक्टिविटी 6. बीरबल डिड नॉट मेक द लाइन शॉर्टर देन इट वॉज वेन अकबर ड्रू फर्स्ट. बीरबल ने उस लाइन को शॉर्ट नहीं किया जिसे अकबर ने ड्रॉ की थी. बट ही मेड अकबर लाइन शॉर्टर देन हिज लाइन. लेकिन उसने अकबर की लाइन शॉर्ट कैसे बनाई, अपनी लाइन दूसरी लॉन्ग बना के. अकबर लाइन कैन नॉट बी सेट टू बी शॉर्ट. अकबर की लाइन को हम शॉर्ट नहीं कह सकते. इट कैन बी लॉन्गर और शॉर्टर देन एनी अदर. वो किसी भी और लाइन से छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है. शॉर्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट. यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट. ये उसका रिलेटिव है. अकबर लाइन इज शॉर्टर टू रिलेटिव बीरबल्स लाइन. अकबर की लाइन है वो बीरबल की लाइन से कैसी है, शॉर्ट है. एज वी थिंक अबाउट पजल एंड प्रॉब्लम वी वॉन्ट टू बी श्योर दैट आवर असेप्शंस आर करेक्ट. जब भी हम पजल की बात करते हैं सबसे पहले हमारी जो सोच होती है वो सही होनी चाहिए. वी ऑल्सो वॉन्ट टू रिमेंबर दैट मेनी थिंग्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन एब्सोल्यूट टर्म. और कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम क्लियरली एब्सोल्यूट टर्म्स में उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. दे कैन ओनली बी डिस्क्राइब इन रिलेटिव टर्म. वो सिर्फ रिलेटिव टर्म्स में हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं.
अ रिच मैन मे थिंक दैट डोसा इज वेरी चिप, मतलब एक अमीर आदमी सोच सकता है, उसको लगता है कि डोसा है वो बहुत सस्ता होता है, बट अ पुअर मैन विल थिंक दैट डोसा इज वेरी कॉस्टली, लेकिन वही डोसा गरीब आदमी को कैसा लगेगा, बहुत ही महंगा लगेगा. सो कॉस्ट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉस्ट क्या है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. ड्यूरिंग विंटर यू मे फील दैट द वेदर इज वेरी कोल्ड बट द वेदर इज प्रोबेबली वेरी वार्म रिलेटेड टू द वेदर एट द साउथ पोल. हमें विंटर में लगता है कि वेदर बहुत कोल्ड है, लेकिन वेदर प्रोबेबली कैसा है, वार्म रहेगा, लेकिन जहाँ पे साउथ पोल है वहाँ पे काफ़ी वार्म होता है, उसके कंपैरिजन में हमारा वेदर कैसा है, कोल्ड है और वहाँ का वार्म होता है. एक्टिविटी 8, इट्स अ पजल बाय एलन एल्बर्न. माय फ्रेंड इज नॉट माय फ्रेंड एनी मोर, शी हैज सीक्रेट फ्रॉम मी एंड गोज अबाउट विद ट्रैकी हैकर. यहाँ पे हमने अक्सर देखा है जब आप फ्रेंड्स होते हो, आपस में छोटी छोटी बात में बुरा लग जाता है या थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है तो आपका फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के पास चला जाता है और आप दूसरे के साथ फ्रेंड बन जाते हो. फिर जब आपका फ्रेंड जाके आपके सीक्रेट दूसरे से बताता है, आप उसके सीक्रेट, ऐसा कई बार हमारे रियल लाइफ में भी होता है. यहाँ पे माय फ्रेंड इज़ नॉट माय फ्रेंड एनीमोर, मतलब मेरा फ्रेंड नहीं रहेगा अनलेस शी हैज सीक्रेट फ्रॉम मी एंड ग्रोज अबाउट ट्रैकी हैकर, मतलब अगर वो मेरे पास से सीक्रेट लेके वो जाएगा ट्रैकी हैकर के पास. आई वुड गेट हर बैक ओनली डू नॉट वॉन्ट टू से सो सो आई प्रिटेंड, मैं उसको वापस लेके आऊँगा, मैं ऐसा कहूँगा नहीं बट मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा, उसको दिखावा करूँगा टू हैव सीक्रेट फ्रॉम हर एंड गो अबाउट विद एलिस बैंक. अब मैं उसे ऐसा दिखाऊँगा कि मैं भी होते उसके सीक्रेट लेके किसी और यानी एलिस बैंक के पास जा रहा हूँ, मतलब दूसरे फ्रेंड, जैसे तुम अगर मेरे सीक्रेट लेके किसी और के साथ शेयर कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे सीक्रेट लेके किसी और के साथ शेयर, मतलब ऐसा दिखावा करना. बट वॉट बॉदर्स मी इज मे बी शी इज प्रिटेंडिंग एंड वुड लाइक मी बैक एंड ओनली डज नॉट वॉन्ट टू से सो, और शायद मुझे ऐसा लगता है वो ऐसा इसलिए ऐसा मुझे दिखा रही है, कर रही है कि मुझे जलाना चाहती है, तो मुझे वापस चाहती है. कई बार हम भी ऐसा करते हैं ना, आपके बेस्ट फ्रेंड हो और आपको थोड़ा वो आपसे नाराज़ हो जाए तो आपको उसको जलाने के लिए क्या करते हो, दूसरे फ्रेंड के साथ जाते हो, उससे बातें करते हो, उसे जलाते हो. तो मे बी वॉट शी इज़ प्रिटेंड, मतलब शायद वो ऐसा मुझे दिखावा कर रही है एंड वुड लाइक मी टू बैक, शायद मुझे वापस पाना चाहती, ओनली डज नॉट वॉन्ट टू से, और सिर्फ वो कहना नहीं चाहती. इन विच केस मे बी इट बॉदर्स हर दैट आई एम प्रिटेंडिंग बट वी आर बोथ प्रिटेंडिंग देन रियली वी आर फ्रेंड्स एंड डू नॉट वॉन्ट टू नो. और शायद ऐसा भी हो सकता है उसे लग रहा है मैं दिखावा कर रही हूँ कि मैं दूसरी है उसके फिर सारे सीक्रेट लेके दूसरे के पास जाके सब बता रही हूँ, और शायद ऐसा भी हो सकता है हम दोनों प्रिटेंड कर रहे हैं. अगर हम दोनों ऐसे ही खाली दिखावा कर रहे हैं और सीक्रेट शेयर नहीं कर रहे तो वी आर फ्रेंड्स एंड वी डू नॉट नो इट, और हमें पता नहीं है. ऑन द अदर हैंड हाउ कैन बी वी फ्रेंड्स एंड हैव सीक्रेट फ्रॉम ईच अदर एंड गो अबाउट विद अदर पीपल, हम दोनों फ्रेंड कैसे हो सकते हैं अगर हम दोनों एक दूसरे के सीक्रेट लेके किसी और के पास जाके शेयर करें. माई फ्रेंड इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी मोर अनलेस शी इज़ प्रिटेंडिंग, मेरी फ्रेंड तब तक मेरी फ्रेंड नहीं जब तक वो मुझे दिखावा कर रही है. आई कैनॉट थिंक वॉट टू डू, इट इज़ अ पजल, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. एक्टिविटी 9, रीड द आर्टिकल केयरफुली टू योर सेल्फ, मार्क एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड, यूज डिक्शनरी द इंटरनेट और योर क्लासमेट, यू मे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड एंड आइडिया. 5 थिंग्स वी स्टिल डोंट नो, 5 चीज़ें ऐसी कुछ है जो आज भी हम नहीं जानते. यू मे थिंक दैट टीचर्स साइंटिस्ट एंड डॉक्टर मस्ट नो एवरीथिंग इंपॉर्टेंट दैट देयर इज टू नो, बट इट इज़ नॉट ट्रू. शायद आपको लगता होगा जितने भी टीचर्स हैं साइंटिस्ट हैं डॉक्टर्स हैं उनको सब पता होना चाहिए जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट वर्ल्ड में चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आजकल डे टू डे लाइफ में कितना एवरी सेकेंड में क्या क्या न्यू अपडेट होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू नो अबाउट एवरी थिंग. द जॉब ऑफ मेनी टीचर्स साइंटिस्ट एंड डॉक्टर इज़ टू रिसर्च टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड, और साइंटिस्ट हो डॉक्टर या टीचर उनका काम क्या होता है, रिसर्च करना, ढूंढना, खोजना और जितना ज़्यादा हो सके उतना लर्न करना अबाउट द वर्ल्ड. देर आर स्टिल मैनी पजल लेफ्ट टू सॉल्व, अभी भी कई ऐसी पजल्स हैं जो अभी बाकी है सॉल्व करने में. वी नीड पीपल टू वर्क ऑन सम ऑफ दिस क्वेश्चन, और हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो इन क्वेश्चंस पे काम करें. सम पजल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व, कुछ पजल ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने, लाइक
हाउ वी कैन मेक इनफ क्लीन वाटर फॉर ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, हम किस तरह और ज़्यादा इनफ पानी क्लीन कर सकते हैं टू हैव हेल्दी लाइफ स्टाइल, जिससे हम हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकें. सम थिंग्स में बी क्वाइट दैट इम्पॉर्टेंट, सम थिंग्स आर जस्ट पजलिंग. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बस क्वाइट हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसी है जो अभी भी हमारे लिए एक पजल की तरह. हियर आर सम थिंग्स वी स्टिल डोंट नो, यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉइंट्स बताए गए हैं जो हम अभी तक नहीं जानते. डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू सॉल्व मेडिकल प्रॉब्लम सो दैट पीपल कीव लॉन्गर हेल्दियर लाइफ, बट सम मिस्ट्रीज आरंट अबाउट डेडली डिजीज. आजकल हम देखते हैं डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ताकि लोग ज़्यादा लॉन्ग लाइफ जी सके और हेल्दी लाइफ जी सके. बट सम पीपल, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, मतलब कुछ ऐसे रहस्य है जो मतलब कि हमारे समझ के बाहर की बात है, जिसका मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता. ऐसे डिजीज भी हैं. वी स्टिल नो व्हाई ह्यूमन ब्लश, और हमें पता नहीं चलता क्यों लोग ब्लश करते हैं. ब्लशिंग मीन्स अ फीलिंग ऑफ गिल्टी, जब आप कुछ करते हो गलत और आप पकड़े जाते हो और आपको कैसा गिल्ट फील होता है, एक शेम की वजह से आपका फेस एकदम लाल हो जाता है, उसे कहते हैं ब्लशिंग. ब्लशिंग सीम्स टू हैव नो एडवांटेज टू ह्यूमन बॉडी, और जब हम कुछ गलत करते हैं फिर गिल्टी फील करते हैं, हमारा फेस लाल लाल हो जाता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. सेकेंड पॉइंट, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थियोलॉजिस्ट एंड अदर हैव लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड इन आवर ड्रीम्स. हमने देखा है चाहे साइंटिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, थियोलॉजियंस, थियोलॉजियंस मीन पीपल हु बिलीव इन रिलीजियस बिलीफ एंड अदर हैव, वो हैव लॉन्ग इंटरेस्ट, वो काफ़ी समय से वो हमारे ड्रीम पे काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ड्रीम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसका क्या लोगों पे इफेक्ट होता है. दे आर इंटरेस्टेड सिंस लॉन्ग टाइम, बट वी स्टिल डू नॉट नो व्हाई पीपल ड्रीम. फिर भी आज तक ये पता नहीं चला कि लोग क्यों ड्रीम करते हैं. रिसेंट रिसर्च सजेस्ट इट हेल्प अस टू डील विद द, और आजकल रिसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि इससे हम अगर ड्रीम करने से हमारे जो इमोशंस होते हैं उसके साथ डीलिंग होती है. इन 1912 अ मैन्युस्क्रिप्ट वॉज फाउंड दैट इट इज बिलीव टू बी फ्रॉम द ईयर्स 14004 टू 1438. इट इज फिल्ड विद स्ट्रेंज प्लांट्स एंड ड्राइंग एंड राइटिंग. इट इज़ कॉल्ड वॉयनिश मैन्युस्क्रिप्ट एंड इस लैंग्वेज इज कम्प्लीटली अननोन. ऐसा माना जाता है कि 1912 में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली जो इट, और ऐसा मानना है कि जो 14004 से लेकर 14038 तक थी, इट इज़ फिल्ड, और उसमें अजीब स्ट्रेंज प्लांट्स थे उस मैन्युस्क्रिप्ट में, ड्राइंग थी और राइटिंग थी, और वो प्लांट्स, वो ड्राइंग, वो राइटिंग ऐसी थी जो किसी के समझ के बाहर की बात थी. मतलब इट इज़ कॉल्ड वॉयनिश मैन्युस्क्रिप्ट, उसको वॉयनिश मैन्युस्क्रिप्ट नाम दिया गया था, और जो लैंग्वेज थी वो अननोन थी, मतलब कोई इस लैंग्वेज को जान नहीं पाया. इन 1977 रिसर्च रिसीव्ड अ रेडियो सिग्नल फ्रॉम पार्ट ऑफ स्पेस दैट नो ह्यूमंस हैज एवर बीन. और ऐसा माना जाता है 1977 में रिसर्च के दौरान एक रेडियो सिग्नल मिला था अपार्ट फ्रॉम, मतलब दूसरे स्पेस में से, कि दैट नो ह्यूमंस हैज एवर बीन, इससे पहले कोई ह्यूमन था ही नहीं. एंड द सिग्नल लास्टेड 72 सेकेंड, और सिग्नल 72 सेकेंड तक था. अपीयर टू बी इंटेंशनल, और वो एक इंटेंशनल था, मतलब कि बिना किसी वजह के. इट इज़ नॉन वाव, और उसमें क्या आया था, सिर्फ वाव सिग्नल, बिकॉज रिसर्चर्स ऑन ड्यूटी रोड वाव, क्योंकि जो रिसर्चर्स जो उस टाइम ड्यूटी पे थे उन्होंने क्या लिखा था, वाव. ऑन द आउट प्रिंट दैट शोड द सिग्नल, जो आउट प्रिंट निकला उस प्रिंट में सिर्फ वाव लिखा हुआ था. द सिग्नल हैज़ नेवर बीन रिपीटेड और एक्सप्लेन, उसके बाद कभी भी वो सिग्नल रिपीट नहीं हुआ या फिर एक्सप्लेन हुआ, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. फिफ्थ पॉइंट, वी स्टिल डोंट नो वेरी मच अबाउट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन. आज तक हमें ये नहीं पता कि ओशन कितना डीप है. द फर्स्ट डाइव टू द डीपेस्ट पॉइंट वॉज 7 miles बिलो द सर्फेस. और सबसे पहले पर्सन जिसने डीपेस्ट, सबसे ज़्यादा डीपेस्ट मतलब कि डाइव किया था, वो 7 miles, मतलब 7 miles धरती से 7 miles बिलो तक था. वॉज ओनली मेड लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर किया था. ओशनोग्राफर्स एस्टिमेट दैट फॉर एवरी स्पीसीज ऑफ एनिमल वी नो अबाउट इन द ओशन. ओशनोग्राफर मतलब पर्सन हू स्टडी अबाउट द ओशन सी, दे हैव टोल्ड दैट हर एक स्पीशीज होती है, वी नो अबाउट इट, उसके बारे में वो लोग जानते हैं.
देयर मे बी थ्री और फोर दैट वी डोंट नो, और शायद ही दो या तीन या चार ही ऐसे स्पीशीज होंगे जिनके बारे में वो नहीं जानते, मतलब जिनके बारे में उन्होंने स्टडी नहीं की. एज यू गेट ओल्डर एंड लर्न मोर वाई मिस्ट्रीज माइट यू हेल्प यू सॉल्व वॉट मिस्ट्री. जैसे ही आप ओल्डर होंगे, ग्रो होंगे, धीरे धीरे मिस्ट्रीज आपकी सॉल्व होंगी. थैंक यू.